तो ब्रॉन्स्कल फैमिली वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। तो भाई पहला मैच बहुत ही बढ़िया था, पहला मैच स्टील केज मैच था, ओमनी मैन वर्सेस रोमन रेंस। अगर आपने मैच नहीं देखा मैं आपके लिए आई बटन पे छोड़ दूंगा, और अगर आपको किंग ऑफ द रिंग के रूल्स नहीं पता मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप वो भी देख लेना, आपको दोनों पता चल जाएंगे कि दोनों वीडियो में क्या हुआ है। आज का मैच है अंगद बगोत्रा वर्सेस वरुण। अंगद बगोत्रा का है बिग शो और वरुण का है एज। तो अभी देखते हैं इन दोनों में से क्वार्टर फाइनल में कौन सा सुपरस्टार जाता है और कौन सा आज एलिमिनेट हो जाता है। पर उससे पहले देखते हैं कि आज इनके लिए कौन सा मैच आएगा। और हाँ, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अल्टरनेट डेज पे दंगल के एपिसोड्स आने हैं, तो आज की वीडियो में दंगल के जो एपिसोड के लिए टीम्स है वो रिकमेंड करना, और कोशिश यही करना कि अकेला कैप्टन करना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रैंडम सुपरस्टार्स लेंगे उनके साथ वाले, तो कोशिश यही करना कि सिर्फ कैप्टन बताना। तो भाई मैच को शुरू करते हैं और देखते हैं इनके लिए आज कौन सा मैच आता है। तो भाई मुझे पहले ये कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है आज कौन सा सुपरस्टार जीतेगा, बिग शो जीतेगा या एज जीतेगा, ये मुझे बताना आप किसकी तरफ हो। और आज इनके लिए मैच है नॉर्मल मैच जो कि प्योर रेसलिंग मैच है। अभी देखते हैं, इसका ये फ़ायदा है कि किसी के साथ वो नहीं होगा, जो सुपरस्टार तगड़ा होगा वो जीत जाएगा, जो सुपरस्टार की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा बढ़िया लड़ेगा वो जीत जाएगा। और आपको पता ही है ये AI खेलती है, मैं तो खेलता नहीं हूँ। तो भाई देखते हैं कौन जीतता है। तो फिलहाल एज ने यहाँ पे दावा बोल दिया बिग शो पे, और बिग शो भाई वैसे भी बुढ़े हो चुके हैं, मुझे ये डर है कि यहाँ की ऑडियंस भी ये बताना ना शुरू कर दे कि यू नीड टू रिटायर, ये शुरू ना कर दे ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस जब भी रियल लाइफ में बिग शो आते हैं तो यही कहती है। तो अभी वैसे बिग शो को रिटायर हो जाना चाहिए, बहुत बुढ़े हो चुके हैं, अभी नहीं रेसलिंग होती तुमसे तो छोड़ दो भाई, क्यों कर रहे हो रेसलिंग, क्या फ़ायदा रेसलिंग करने का, छोड़ो परा जिंदगी जियो, पोते पोतियों के साथ खेलो, आप रेसलिंग खेल रहे हो अभी भी, हड्डी उड्डी तोड़वा लोगे बुढ़े हुए, बुढ़ापे में बाद में जुड़ेगी नहीं हड्डी। तभी एज ने भाई काफ़ी दावा बोल के रखा है, तो एज अभी अपर हैंड पे है, पर अभी ये नहीं गारंटी दे सकते कि एज ही जीतेंगे या नहीं, मतलब वरुण ही जीतेंगे या नहीं। तभी फिलहाल तो नीचे फेंक दिया है बिग शो को, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 5 काउंट नहीं है, 10 काउंट है पूरे, क्योंकि इसमें मेरे रूल्स कोई भी नहीं है, किसी मैच में भी मेरा कोई रूल नहीं है, जो ओरिजिनल रूल्स है वही मैच होंगे। तो भाई नॉर्मल मैच है, अभी जो भी जीतेगा वो ऑनेस्टली जीतेगा, क्योंकि उसमें वो ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कुछ वैसा हुआ, ना तो इसमें वेपन्स है ना तो इसमें कोई स्टिपुलेशंस है, जो सिंपल नॉर्मल मैच है, जो भी जीतेगा अपने बलबूते पे जीतेगा, जो भी जीतेगा बस ये देखना है कि जीतेगा कौन। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। वैसे तो मैं अगर कहूं तो एज के चांसेस फ़िलहाल तो ज़्यादा है, बट कुछ भी हो सकता है भाई। एक बार मैंने करी थी प्रिडिक्शन, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई थी, वो भी बहुत गलत गंदे तरीके से गलत हुई थी, इसलिए मैं तो प्रिडिक्शंस करना बंद कर रहा हूँ। पर अभी 7 काउंट हो चुके हैं, क्या ये मैच ड्रॉ होगा, मुझे लग रहा है ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, पर नहीं, बिग शो ने फिलहाल बचा लिया है। बिग शो 8 पे आ गए हैं, 7 पे एज आ गए थे, वो भी बिग शो ने फेंका था, तो बिग शो ने अपर हैंड बनाया अब एज पे, तो अभी हो सकता है बिग शो मैच को अपनी तरफ ले जाए। पिन इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि फिनिशर किसी को भी नहीं लगा, तो अभी इतनी जल्दी पिन का तो मुझे लगता नहीं कोई चांस बनता है। ये दोनों सुपरस्टार वेट कर रहे हैं कि कौन शुरुआत करेगा, और बिग शो ने शुरुआत करके क्लॉथ लाइन मारी है सीधा एज के गुद्दी पे, तो भाई गुद्दी फोड़ दी है उसकी भाई की। फिलहाल तो एज वापस आ गए हैं, एज रेड कलर डाल के हैं, और एज ने अपना सिग्नेचर लगा दिया भाई साहब, और भाई यहाँ पे रोलिंग पिन करने की कोशिश भाई बिग शो से ये उम्मीद नहीं थी कि ये पिन करेंगे, पर बिग शो ने करी है, और एज के पास फिनिशर ऑलरेडी है, बिग शो के पास ना फिनिशर है ना सिग्नेचर है, तो अभी बिग शो खतरे में है, जब तक एज के पास स्पेयर है, अगर वो स्पेयर ब्लॉक नहीं होती तो डेफिनेटली बिग शो खतरे में है, क्योंकि गारंटी कोई नहीं है कोई कितनी देर टिक सकता है। अभी फिलहाल वेट करते हैं क्या होता है, हम तो वेट ही कर सकते हैं। और एज ने रनिंग स्पेयर लगाया है सीधा ही बिग शो पे, क्या बिग शो पिन हो जाएंगे, 1-2, मुझे लगा ना 3 हो जाएगा पर 3 हुआ नहीं, बच गए बिग शो फिलहाल, अभी बिग शो जिंदा है, अभी इतनी जल्दी मरने वाले नहीं है बिग शो। तो भाई मुझे लगता है हो सकता है अब बिग शो के पास सिग्नेचर है, तो बिग शो ने सिग्नेचर वाली बार यूज करके जल्दी उठ गए, नहीं तो बिग शो सिग्नेचर लगा सकते थे, पर चलो कोई बात नहीं, बिग शो का फिनिशर आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, और इधर एज का भी सिग्नेचर फिर से आने वाला है, जल्दी ही आ जाएगा एज का सिग्नेचर। अभी मुझे लगता है वैसे बिग शो का फिनिशर पहले आ जाएगा, जैसे मुझे लग रहे, जैसे हालात मुझे लग रहे बनते हुए, तो मुझे बिग शो का फिनिशर दिख रहा है क्लियरली, और बिग शो का फिनिशर आ भी चुका है, मैं बोल भी रहा था कि बिग शो का फिनिशर दिख रहा है मुझे, और बिग शो मुझे लगता है फिनिशर के लिए जाएंगे,
बिग शो ने दो में फिनिशर बना लिया और बिग शो गए चौक स्लैम के लिए और चौक स्लैम को रास्ते में ब्लॉक कर दिया एज ने। भाई साहब एज गए हैं स्पेयर के लिए जाने लगे, क्या ये स्पेयर हिट होगा, क्या ये स्पेयर हिट होगा। एज पीछे गए हैं स्पेयर लगाने के लिए और लगा दिया स्पेयर, क्या ये पिन होगा, ये देखना जरूरी है क्या ये पिन होगा। 1 2 3 और इसी के साथ एज एंड वरुण ये दोनों ही क्वार्टर फाइनल्स में, दूसरा मैच है, दूसरे कंपेटिटर है जो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू वरुण भाई, और अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख की बात है कि बिग शो नहीं आगे जा पाए, अंगद मगोत्रा आगे नहीं जा पाए। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, दंगल के लिए आज कैप्टन सजेस्ट कर देना नीचे, जिसका मोस्ट लाइक्ड कैप्टन होगा उसकी टीम आएगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।